यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने भैरवधाम में दर्शन कर निरहुआ के लिए जनता से मांगा जनसमर्थन। आजमगढ़ जनपद के सदर लोकसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने दिग्गज नेताओं को प्रचार प्रसार में उतार रही है। उसी कड़ी में जनपद के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के महाराजगंज भैरवधाम में बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे बीजेपी के नेता और यूपी सरकार में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में जनता के बीच जाकर पंपलेट देते हुए भाजपा के लिए वोट करने के लिए अपील की। इस दौरान उन्होंने आजमगढ़ के अपने दौरे को अहम बताते हुए उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा भी किया। ए के शर्मा अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान हर तबके के लोगों से मिलते भी नजर आए भैरवधाम में, जहां उन्होंने ऑटो चालक, सैनी संप्रदाय, स्थानीय दुकानदार और मेले में आए हुए लोगों से मिलकर निरहुआ के लिए जन समर्थन भी मांगा। तो वहीं उन्होंने क्षेत्र के सामाजिक और राजनीतिक संरचना में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले लोगों से भी मुलाकात की। उनके साथ चल रहे भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। इस जनसंपर्क अभियान में भाजपा के दिग्गज नेता सत्येंद्र राय इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। इस अवसर पर सुशील राय, विवेक शुक्ला, मनीष सिंह, सच्चा सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अम्बेडकर नगर। बड़ी मान्यताएं कि जो यहाँ आता है मनोकामना सिरमन से अगर मानता है मनोकामना को, आज आपने बाबा भैरवनाथ का दर्शन किया, क्या मन में रहा सर इस क्षेत्र को लेकर? बाबा भैरवनाथ के इस पवित्र स्थान पे मैं पहले भी आ चुका हूँ और आज एक बहुत ही सुखद संयोग हमारे सहयोगी माननीय सत्येंद्र जी और अन्य मित्रों की वजह से मिला कि मैं फिर से भगवान भैरवनाथ के चरणों में आकर के नमन करने का मुझे मौका मिला। सच में मेरी ये आजमगढ़ की यात्रा और आज का दिन मेरा धन्य हो गया। बाबा की कृपा से भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के उपचुनाव में बहुत ही ज्वलंत विजय प्राप्त करने जा रही है। हम सब ने यहाँ आई हुई जनता से भी प्रचार किया, उनके बीच में भी जाकर के प्रचार किया, माताओं बहनों से बात किया, उनके निरहुआ जी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में हमने इस तरह से प्रचार पंपलेट बांट करके भी हमने प्रचार किए। हमारे सैकड़ों सहयोगियों ने भी सबके बीच में इस बाजार में महाराजगंज बाजार में भी प्रचार किया और जनता का उत्साह, जनता का लगाव माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के प्रति देखते हुए मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में निरहुआ की बहुत ही भव्य विजय होने जा रही है।